हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिलिका चैनल। आज मैं आपके लिए शिवरात्रि स्पेशल धमाकेदार वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको एक रेसिपी नहीं बल्कि चार चार रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार बॉइल्ड आलू लिए थे, जिनको अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें एक भी गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब मैंने एक पैन ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें आधा कटोरी के लगभग घी डाल देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें आलू मैश किए हुए डाल देते हैं। गैस को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। हलवा बनाते समय ध्यान रखें, इसमें घी की मात्रा ज़्यादा ही डालें, जिससे कि हलवा अच्छे से भुन जाएगा। बाद में इससे एक्स्ट्रा घी हम निकाल देंगे। अब देखिए हलवा अच्छे से भुनने लगा है। अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ, कट किए हुए बादाम डाल देती हूँ, कट किए हुए काजू डाल देती हूँ और किशमिश डाल देती हूँ। इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून चीनी डाल देती हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। देखिए हलवा परफेक्ट रेडी हो गया है। ये बहुत अच्छे से भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से एक्स्ट्रा घी भी निकल रहा है। अब इस एक्स्ट्रा घी को हम बाहर निकाल देंगे। आप लोग भी फ्रेंड्स ऐसा करिए, जब हलवा बनाए ना तो घी ज़्यादा मात्रा में डालें। जब हलवा अच्छे से भुन जाए तब उस एक्स्ट्रा घी को आप बाहर निकाल दें। इससे क्या होगा, व्रत वगैरह में हमें हैवी नहीं रहेगा। ये मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का हलवा बनाकर दिखाई हूँ। आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई करें। देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा घी सारा निकाल दिया है। अब इसको दूसरे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मेरी वीडियो की पहली रेसिपी तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अब मैं बनाऊंगी साबूदाना का नाश्ता। इसके लिए मैंने 3-4 आलू बॉयल किए हुए लिए हैं, जिनको अच्छे से मैश कर लिया है। और ये साबूदाना है जिसको मैंने 4-5 घंटे अच्छे से भिगा कर रख दिया था और ये अच्छे से फूल गया है। अब मैं एक बाउल में ये आलू डाल लेती हूँ, ये साबूदाना डाल लेती हूँ। अभी मैं अदरक डाल देती हूँ और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है वो डाल देते हैं। काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छे से डो तैयार हो गया है। अब मैंने एक अप्पे मेकर लिया है जो गैस पर रख दिया है। अब इसमें बिल्कुल हल्का हल्का घी हर मोल्ड में लगा देंगे। अब मैं साबूदाना के छोटे छोटे पेड़ा टाइप का बना लूंगी और हर मोल्ड में रख दूंगी और गैस को लो टू मीडियम पर रखेंगे। सारे मोल्ड में रख दिया है। अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अब मैं 4 मिनट के बाद ढक्कन खोल के देखूंगी। 4 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देखिए एक तरफ हो गया है, दूसरी तरफ पलट देते हैं। अब इसको फिर से 4 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ भी हो गया है। अब इनको निकाल लेते हैं। देखिए साबूदाना का बहुत ही कम घी में बनने वाला नाश्ता तैयार हो गया है। इसमें मैंने बहुत ही कम घी का यूज किया है। आप लोग भी घर पर जरूर ट्राई करें। इस साबूदाना के नाश्ते के साथ में मैंने एक चटनी भी बनाई है। अगर वो चटनी मैं दिखाती तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती। ये चटनी मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और सेंधा नमक डालकर बनाई है। अब मैं अपनी थर्ड रेसिपी शुरू करती हूँ, जिसमें मैं बनाऊंगी कूटू की पकौड़ी। कूटू की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कच्चे आलू लिए हैं, जिनको अच्छे से धो लिया है और पोंछ लिया है। अब इनको कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए मैंने इनको कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून कूटू का आटा डालूंगी। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, सेंधा नमक डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और बारीक कटी हुई अदरक डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसकी पकौड़ियाँ सेक लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। पैन में मैंने घी डाल दिया है, क्योंकि व्रत में रिफाइंड वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए घी से पकौड़ियाँ बनाएंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें छोटी छोटी पकौड़ी डाल देते हैं।
देखिए मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं, अब इनको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। अब देखिए इनको इधर उधर घुमा दिया है, दोनों तरफ अच्छे से सिक गई हैं, हल्की ब्राउन हो गई हैं। अब इन पकौड़ियों को निकाल लेते हैं। मेरी कूटू की पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। आइए अब हम अपनी लास्ट रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बनाऊंगी लौकी और मखाने की मिक्स खीर। लौकी मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लौकी ली थी, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें एक भी बीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ लौकी होनी चाहिए। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें इस लौकी को डाल लेते हैं और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब लौकी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसे एक चलनी में निकाल देते हैं, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है, इसको एक पैन में रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है और गैस को लो टू मीडियम कर देते हैं, जिससे कि दूध अच्छे से बॉयल हो जाए। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1/2 टेबल स्पून घी डाल लेते हैं और ये मखाने लिए हैं, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब घी मेल्ट हो गया है, इसमें मखाने डाल लेते हैं और थोड़ी देर इनको भून लेते हैं। देखिए मखाने भूनकर तैयार हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में वो लौकी जो चलनी में डाली थी, उसको इसमें थोड़ी देर भून लेते हैं। देखिए लौकी भी अच्छे से भुन गई है। अब यहाँ पर दूध अच्छे से बॉयल हो गया है, अब इसमें लौकी ऐड कर देते हैं। इलायची पाउडर डाल देती हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम और किशमिश, इनको डाल देती हूँ। अब इसमें मखाने ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा चला देती हूँ इनको। अब इसमें चीनी डाल देती हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून चीनी डाली है। अब मेरी खीर बनकर तैयार हो गई है। एक बाउल में इसको निकाल लेते हैं। देखिए मेरी व्रत की चारों डिशेज बनकर तैयार हो गई हैं। आप लोग भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी शिवरात्रि।